नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास से कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिजनौर में आयोजित जन चौपाल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पहले उन्हें बिजनौर में आयोजित जन चौपाल में शामिल होना था, लेकिन कहा गया था कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता से की है। यह कविता थी, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम पानी कहां ठहरा होगा। पीएम मोदी ने बयानों में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवी की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों के पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के मामले में अपना बयान भी जारी किया। गृह मंत्री ने बताया कि ओवैसी के खतरे का मूल्यांकन कराया गया है और जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने अपील करते हुए कहा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह तुरंत ही सुरक्षा ले ले। दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दिए। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल, प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। बिजनौर में आज
भाजपा की जन चौपाल आयोजित हुई थी, जहां कम विजिबिलिटी के कारण पीएम मोदी नहीं पहुंचे। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी बिजनौर में मौजूद रहे और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर दंगों के अलावा वैक्सीन पर अफवाह तक, क्या कुछ रहा बयान, ये नहीं खास, चलिए आपको सुनाते हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, इन दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर, जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है। सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना भाइयों बहनों। सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदि थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनेती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब को घर भी दिया, हर घर तक बिजली भी पहुंचाया, हर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन भी पहुंचाया और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी किसी ने दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है। तो आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है अपने वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। इस वैक्सीन की ये कीमत है, ये वैक्सीन ही इतनी प्रभावी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी हर रोज समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के आरोपों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सहारनपुर में जबरदस्त पलटवार किया है और कहा कि जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वह सपा को वोट न देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो जोश उत्साह है, ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 10 मार्च का सबको अब इंतजार होने लगा है और इन्हीं तारीखों की हम और आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव और चुनाव की तारीखें कब आएंगी, इन तारीखों का ही हम लोग इंतजार कर रहे थे और अब तो तारीख भी आ गई हैं। और जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की हवा चल रही है, मैं और जैन चौधरी जी पहले चरण में लगभग सभी जिलों में होकर के आए हैं और जो पहले चरण का शुरुआती चुनाव है उसका जो माहौल है वो ये बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है।
हालांकि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को डर क्या था सहारनपुर से, या चुनाव आयोग ने क्यों ऐसा सोचा। होने को तो ये चुनाव पहले चरण के साथ भी हो सकता था, लेकिन जो शुरुआत है दूसरे चरण की, अभी मैं बहुत सारे नेताओं का भाषण सुन रहा था, इमरान मसूद का भी मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस बार सहारनपुर 100% समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है। बताओ ये बात मैं मान लूं कि ना मानूं, ये तो इसका मतलब ये है कि सहारनपुर से दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है। और जब से चुनाव घोषित हुए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव लड़ना चाहते थे। मुझे याद है जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आए तो किसी ने यह कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवन से चुनाव लड़ें। ये बातें आई कहीं से निकल करके, और कुछ लोगों ने कहा कि देवन से चुनाव लड़ेंगे, फिर किसी ने कहा कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़े, फिर किसी ने कहा कि किसी को सपने में भगवान आए और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ना है, फिर पता लगा कि अयोध्या के बाद प्रयागराज से चुनाव लड़ना है, लेकिन वो चुनाव कहीं से नहीं लड़े, उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो चुनाव से पहले अपने घर पहुंच गया हो, जो वोट पड़ने से पहले अपने घर गोरखपुर पहुंच गया हो, तो बताओ 10 मार्च को उन्हें गोरखपुर में भेज दोगे कि नहीं भेजोगे वापस। महंगाई बहुत बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई महसूस की कि नहीं की? सुना है बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जहां प्रचार कर रहे हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहां इसलिए कैंपेन नहीं कर रहे क्योंकि यहां सीट उन्हें मिलने वाली नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि घर में जो खाली सिलेंडर रखा हो वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना इस बार, और वो सिलेंडर भी लाल रंग का है, अपने आप घबरा के चले जाएंगे वो लोग। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को विथरी चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में राधा माधव मोहन स्कूल के पास स्थित मैदान में मंडलीय जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों ही दलों को निशाने पर रखते हुए दलित विरोधी बताया। भाजपा के शासन में उन्होंने जातिवाद संकीर्ण और अहंकारी बताते हुए RSS के एजेंडे को पूरा करने वाला बताया। बसपा अध्यक्ष अपने आधा घंटा के भाषण में बारी बारी तीनों पार्टियों पर हमलावर रही। उन्होंने भाजपा पर सरकारी उपक्रमों का निजीकरण, का आरक्षण को खत्म करने का भी आरोप लगाया। सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राजरा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी सपा सरकार में प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र एवं एक विशेष समुदाय के
लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। भाजपा सरकार की नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहां जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी हुआ है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।